दोस्तों उज्जैन के सबसे बड़े गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप है। आज तो ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी इनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। दुर्लभ जब जिंदा थे तब अपने गैंग के सभी मेंबर को यही संभालते थे। अगर कहीं लूटपाट करवाना हो, किसी को धमकी देना हो, किसी की हत्या करना हो, किसी को किडनैप करना हो या किसी से पैसे लूटने हो, तो सब यही संभालते थे और करवाते थे। लेकिन आपको पता है कि 6 दिसंबर 2020 के रात दुर्लभ का मौत अपने विरोधी गैंगस्टर शाहनवाज से हो गया। तो आखिर अब इनका गैंग कौन चला रहा है? कौन है वो गैंगस्टर जो अब दुर्लभ का सबके पूरे टीम को संभालता है और वारदातों को अंजाम देता है? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। वैसे तो उज्जैन पूरे भारत में महाकाल के नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब उज्जैन गुंडों और गैंगस्टरों के नगरी के रूप में जाना जा रहा है। जब से दुर्लभ कश्यप की मौत हुई है तब से दिन प्रतिदिन उज्जैन गुंडों के नगरी के रूप में विख्यात होते जा रहा है। बता दें कि दुर्लभ कश्यप महज 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अपना एक अलग पहचान बना लिए थे। ये अपने माथे पर लाल रंग का चंदन, आंखों में काजल और अपने कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे। ये महज 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों की अपनी एक गैंग बना लिए थे, जिसे लूटपाट, हत्या, रंगदारी और हफ्ता वसूली जैसे अपराध करवाते थे। जब सोशल मीडिया पर अपने इन्हीं सभी कामों के लिए फेमस होने लगे तब इनके ऊपर नजर SP सचिन अतुलकर का पड़ा। उसके बाद इनके साथ साथ दर्जनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगने के दौरान बाकी कैदियों के साथ इन्हें भी जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद फिर से ये वैसे ही कामों को अंजाम देना शुरू कर दिए। और जब 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए, जिसमें उसी शहर के ये अपने विरोधी शाहनवाज और सदाब के हाथों मारे गए। आज दुर्लभ कश्यप को इस दुनिया से गए लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी इनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और आज भी इनके चाहने वालों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। तो अब बात आती है कि आखिर दुर्लभ कश्यप के गैंग को अब कौन संभाल रहा है? तो आपको बता दे कि उज्जैन के ही दूसरे इलाके में एक गैंगस्टर जिनका नाम हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला बदमाश है, वही संभाल रहे हैं। हेमंत और दुर्लभ की दोस्ती काफी पहले हुई थी। दोनों गैंगस्टर एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे, जिसके बाद ये दोनों उज्जैन और उज्जैन के सटे शहरों में कत्ल करवाते थे। बता दे कि हेमंत वाड़िया पर हत्या के प्रयास, लूटपाट, धमकी और रंगदारी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। दुर्लभ के मौत होने के बाद उज्जैन के पुलिस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके कारण हेमंत वाड़िया अपने एनकाउंटर होने से इतने ज्यादा डर गया था कि वो खुद कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल इस समय हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला बदमाश जेल में बंद है, बट जेल में रहने के बावजूद भी आज भी वो अपने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखाई देता है और जेल से ही अभी वो अपने गैंग को चलाता है। तो दोस्तों यही वो गैंगस्टर है जो इस समय दुर्लभ कश्यप के गैंग को चलाता है। वैसे आपको दुर्लभ कश्यप कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।